आ जाओ भाई, आज हम डिस्कस करेंगे लिपिड ड्रग के जो एमसीक्यूज हैं उनके बारे में। और तो ये लिपिड ड्रग और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनके बारे में आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, और इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है डिफरेंस बिटवीन सेफोनिफिकेशन एंड एसिड वैल्यू इज, डिफरेंस बिटवीन सेफोनिफिकेशन एंड एसिड वैल्यू इज। तो देखो आपको एक फॉर्मूला याद हो, सेफोनिफिकेशन वैल्यू इक्वल टू क्या होती है, ये होती है एसिड प्लस क्या है एस्टर वैल्यू, एसिड प्लस एस्टर वैल्यू होती है। तो अब ये क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन सेफोनिफिकेशन और एसिड वैल्यू क्या है। तो देखो इस एसिड को इधर लेके आएंगे तो सेफोनिफिकेशन माइनस एसिड इक्वल टू क्या हो जाएगा एस्टर। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका ए एस्टर वैल्यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ड्राइंग ऑयल इज। तो देखो ड्राइंग ऑयल में आपको दो ऑयल बताए थे, लेनसीड एंड पॉपी सीड। तो इसका आंसर क्या हो गया डी। लेकिन एक बार आप रिवीजन कर लीजिए कि ऑयल को हमने क्लासिफाई किया था नॉन ड्राइंग ऑयल, और नॉन ड्राइंग ऑयल का शॉर्ट फॉर्म बनाया था APO, जिसमें आमंड पीनट और ओलिव ऑयल, जबकि जो सेमी ड्राइंग ऑयल थे उनको हमने लिखा था CMC। CMC का मतलब सी से कैस्टर ऑयल, एम से मस्टर्ड ऑयल और सी से क्या है कॉटन सीड ऑयल, ये डिस्कस किया था। दे आर सेमी ड्राइंग CMC, कार्बोक्सी मिथाइल सेलोज, ऐसे करके याद कर लेना, ये सेमी ड्राइंग। और ड्राइंग ऑयल में था लेनसीड एंड क्या पॉपी सीड ऑयल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये लेनसीड ऑयल क्या है आपका ड्राइंग ऑयल है। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपका, एक मिनट थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ इसको। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके अंदर आ जाइए, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, हाई आयोडीन नंबर ऑफ ए फेट इंडिकेट, यानी एक फेट का आयोडीन नंबर ज़्यादा होगा तो ये किसको इंडिकेट करती है, तो ये किसको इंडिकेट करती है। तो जितना एक फेट में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होंगे, और अनसेचुरेटेड का मतलब होता है जिनके अंदर ऐसे डबल बॉन्ड हो या सी डबल बॉन्ड सी। तो फेट में जितने अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होंगे उतना ही आयोडीन के साथ वो रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करेगी तो आयोडीन वैल्यू क्या है ज़्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब हाई आयोडीन वैल्यू किसको इंडिकेट करती है, अनसेचुरेशन, और इसका आंसर क्या हो जाएगा ए अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो यदि किसी गिवन सैंपल में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जितने ज़्यादा होंगे उसकी आयोडीन वैल्यू उतनी ही ज़्यादा मिलेगी, और दूसरा आपको याद रखना है उतना ही उस फेट का ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, रेंसिड होने की टेंडेंसी या चांसेस क्या हैं ज़्यादा, इसको भी याद रखें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए ऑयल हैज़ हाई सेफोनिफिकेशन वैल्यू, एक ऑयल जिसकी सेफोनिफिकेशन वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसमें जो फैटी एसिड प्रेजेंट हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, फैटी एसिड का मॉलिक्यूलर वेट लो है। क्योंकि एक रिलेशनशिप आपको याद रखनी है कि यदि सेफोनिफिकेशन वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस फेट में जो फैटी एसिड है उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है कम, और यदि सेफोनिफिकेशन वैल्यू कम तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है ज़्यादा, उल्टा रिलेशनशिप होता है। तो आपका क्वेश्चन है कि फेट में हाई सेफोनिफिकेशन वैल्यू है इसका मतलब उसमें फैटी एसिड कैसे हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट, और इसका करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा सी लो मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लिपिड सैंपल ऑन स्टोरेज बिकम रेंसिड, ए लिपिड सैंपल ऑन स्टोरेज बिकम रेंसिड एंड इट स्मेल बैड, और उसमें एक बैड स्मेल आती है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है ऑक्सीडेशन, याद रखना एक फेट सैंपल होता है वो ऑक्सीडाइज होते ही क्या हो जाता है रेंसिड जो है वो हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 का आंसर हो गया ए
ऑक्सीडेशन, इसलिए फैट को रेंसिड होने से बचाना है तो ऐसे केस में उसके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं। तो यदि एक ही प्रोसेस यूज करना है और यदि यही क्वेश्चन जैसा लिखा है कि फैट रेंसिड हो जाए और उसमें बैड स्मेल आए, तो आप इसमें ऑक्सीडेशन या ऑटो ऑक्सीडेशन वर्ड काम में लेंगे, लेकिन दो दो का पेड़ आए तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, लेकिन पहला आंसर ऑक्सीडेशन ही जाएगा यदि ऑप्शन में हो तो भी। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं सिक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखा है कि विच टेस्ट इज यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ रेंसिडिटी, यानी ये गिवन सैंपल फेट सैंपल यदि रेंसिड हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसका पता लगाने का टेस्ट कौन सा है, तो टेस्ट होता है क्रीज टेस्ट, ऑप्शन सी ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी टेस्ट को भी जान लीजिए, जैसे पहला टेस्ट लिखा है ड्रैगन ड्रॉप, ये आपको पता है ड्रैगन कहाँ था, एल्कलॉइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। बालजेट किसका टेस्ट है, तो आपको डिजिटलिस का बताया था कि डिजिटलिस का टेस्ट आपको बताया था के बी एल, कौन बनेगा लखपति, तो के से किलर किलानी टेस्ट, बी से बालजेट, एल से क्या है लीगल। तो ये बालजेट टेस्ट जो है वो डिजिटलिस के लिए आता है, और ऑप्शन डी में दिख रहा है ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट, ये किसके लिए आता है, एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड, एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड जैसे सेना आती है तो ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट जो है वो देगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, सी क्रीज टेस्ट। और इस टेस्ट में एक रिएजेंट काम में लेते हैं, उस रिएजेंट का नाम क्या होता है, उस रिएजेंट का नाम है फ्लोरोग्लिसिनोल। तो क्रीज टेस्ट इसका आंसर, इसमें फ्लोरोग्लिसिनोल रिएजेंट जो है उसको काम में लेते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्या है, सेवन। और क्वेश्चन नंबर जो सेवन है उसमें क्या लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर सेवन में है, एक मिनट, ये आ गया क्वेश्चन नंबर सेवन। और क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखा है ऑक्सीडाइज फेट, क्वेश्चन नंबर सेवन में ऑक्सीडाइज फेट, और ऑक्सीडाइज फेट जो है वो कह रहा है कि ऑक्सीडाइज फेट पिंक कलर देगी किसके साथ में, तो अभी मैंने आपको बताया था कि फेट ऑक्सीडाइज होती है, कौन से टेस्ट है निकालेंगे, क्रीज टेस्ट, और उस टेस्ट के अंदर कौन सा रिएजेंट लेते हैं, फ्लोरोग्लिसिनोल। तो इसलिए ऑक्सीडाइज फेट फ्लोरोग्लिसिनोल के साथ में कैसा कलर देगी, पिंक कलर जो है वो देगी, याद रखना है, और क्रीज टेस्ट के अंदर हम ऐसा ही करते हैं। इसके बाद आता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनोनिन इज, कि लेनोनिन क्या है। तो पहला ऑप्शन देखता हूँ कि हाइड्रस वुल्फेट, तो हाँ लेनोनिन हाइड्रस वुल्फेट होती है। फिर दूसरा ऑप्शन देखता हूँ, इट कंसिस्ट 70% वुल्फेट 30% वाटर, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेनोनिन में 70% वुल्फेट और 30% वाटर। देखिए ऑप्शन ए में क्या लिखा, हाइड्रस वुल्फेट, यानी वुल्फेट भी है और पानी भी है, और ऑप्शन दो ऑप्शन यदि सही है तो तीसरा सही होगा ही, यूज एज ए वाटर अब्जोरेबल ऑइंटमेंट बेस के तौर पे काम में आती है, इसलिए आपके क्वेश्चन नंबर जो एट है इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है डी, ये डी आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, नाइन। और क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या है, विच ऑयल इज ए रिच सोर्स ऑफ ओमेगा थ्री फैटी एसिड, ये ओमेगा थ्री फैटी एसिड इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो हैं आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल क्या है, कम करते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल कौन होता है, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन, इसके लेवल को ओमेगा थ्री फैटी एसिड क्या है, कम करते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ओमेगा थ्री फैटी एसिड किस में प्रजेंट हैं, तो आप कहें लेंसिड ऑयल, ये लेंसिड ऑयल जो है, इस लेंसिड का दूसरा नाम क्या है, इसको ये भी बोलते हैं, दे आर फ्लैक्स सीड, लेंसिड का दूसरा नाम क्या है, फ्लैक्स सीड जो है ये, इसके अंदर लिग्निन नाम का केमिकल भी होता है, म्यूसिलेज भी होती है, जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के इलाज में काम में लेते हैं, ये अलसी के बीज होते हैं, लेंसिड दैट इज ऑयल, अलसी का तेल, फ्लैक्स सीड, ये अलसी के बीज सीड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर है थ्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन के अंदर। क्वेश्चन नंबर टेन में क्या है, क्वेश्चन नंबर टेन में है कि विच ऑयल इज कॉमनली यूज एज ए सपोजिट्री बेस, तो सपोजिट्री बेस के तौर पे हमें पता है कोका बटर ऑयल
या थियोब्रोमा ऑयल जो है इसको काम में लेते हैं मोस्ट कॉमन सपोजिटरी बेस में। और ये कोका बटर ऑयल में कौन से फैटी एसिड प्रेजेंट हैं, तो इसको ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर याद करने के लिए बोला मैंने। तो S से स्टीरिक एसिड, O से ओलिक एसिड, P से क्या है पाल्मिटिक एसिड, इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। अब इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्या है 11 के अंदर, और क्या लिखा है विच ऑयल इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए और विटामिन डी। विटामिन ए और डी का रिच सोर्स कौन है, तो हमें पता है कोड लीवर ऑयल या विटामिन ए और डी का क्या होता है रिच सोर्स होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि एक तरफ आपको ऑयल दिए हैं, दूसरी तरफ इनके क्या दिए हैं सोर्स। और देखो कोई रटना नहीं, सबसे पहले लेता हूँ नीम। नीम आपको पता है इंडिया में होता है, तो इंडिका वर्ड किसके आगे लिखा है, ये लिखा चार नंबर एज अ डायरेक्टा इंडिका, इसलिए पहले का आंसर क्या हो गया चौथा। और पी का फोर किसके अंदर है, तो आप देख रहे हैं पी का फोर ऑप्शन डी में, तो इसका मतलब ये आंसर होगा पी का फोर और किसी के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब आंसर इसका डी ही होगा। बाकी को मैच कर ले, कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल का नाम आते ही मैंने कहा था रिसी नोली केसी में टूटता है, तो रिसिनस वर्ड किस में लिखा है, ये लिखा रिसिनस, इसलिए क्यों का मतलब क्या है वन, तो इतना आता ही मतलब ये इसका आंसर डी जो है वो हो गया। बाकी हम चेक कर लेते हैं, बाकी देखो आपको बताया कॉटन सीड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल का सोर्स है गोस्पियम, तो आर का मतलब क्या है टू, ये भी दिया हुआ है। और मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों, और सरसों कहाँ होती है भरतपुर में होती है, ये बताया था आपको। और भरतपुर से क्या है ब्रैसिका, भरतपुर का बी, बी से ब्रैसिका, तो इसका सोर्स क्या है ये ब्रैसिका निग्रा फैमिली क्या है क्रूसीफेरी, तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर इसका हो गया डी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 13 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या लिखा है, तो ये देखो लिखा है शार्क लीवर ऑयल इज ए रिच सोर्स ऑफ, शार्क लीवर ऑयल किसका रिच सोर्स है, तो मैंने कहा मछली का डायग्राम बनाते हैं, ऐसे मछली का डायग्राम बना रहे हूँ, ये लीजिए ये मछली का डायग्राम और ये उसकी आँख, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका विटामिन ए बन गया, तो इसलिए ऐसे शार्क लीवर, तो शार्क मछली आपके दिमाग में आएगी और डायग्राम बनाएंगे ये करेंगे, तो ये किसका सोर्स है विटामिन ए का, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो गया ए। और विटामिन ए आपको पता है एंटी जियोपथेलमिक होता है, आँखों के लिए ठीक होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में सोर्स ऑफ गोसीपोल इज, तो गोसीपोल किस में प्रेजेंट है कॉटन सीड ऑयल में, क्योंकि इसका सोर्स था गोस्पियम, तो कॉटन सीड ऑयल के अंदर प्रेजेंट होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 में, और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखिए कि विच ऑयल इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, तो इसमें से कौन सा ऑयल है जो लेप्रोसी जो कि बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा ऑयल जिसमें एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, तो हमें पता है इसका आंसर है चालमोगरा ऑयल, चालमोगरा ऑयल एंटी बैक्टीरियल होता है, ये सूर्यासिस के ट्रीटमेंट में काम में आता है। बाकी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 16 में, और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर लिखा है मैच द फॉलोइंग ऑयल विद देयर यूज, यानी ऑयल को उनके यूज से मैच करना है। तो देखो कैस्टर ऑयल आपको पता है इसमें रिसिनोलिक एसिड होता है, इंटेस्टाइन में इरिटेशन करेगा जिससे डायरिया होता है, तो कैस्टर ऑयल के साथ क्या ऑप्शन होगा सेकंड कैथार्टिक। अब बताओ पी में सेकंड किसका है, तो एक ही आंसर है इसके अंदर सेकंड है, बाकी किसी के अंदर सेकंड नहीं है, तो सिर्फ बी वाले ऑप्शन में पी में सेकंड है। दूसरा अभी मैंने कहा चालमोगरा ऑयल लेप्रोसी में काम आता है, इसलिए क्या है, इसलिए आप कहेंगे ये एंटी बैक्टीरियल है, तो क्यू का क्या हो गया थ्री हो गया। फिर मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल क्या है इरिटेंट होता है, और इरिटेंट ड्रग जो है एज ए रूबीफिशियंट काम में आती, तो ये रूबीफिशियंट का काम करता है। और उसके बाद बच गया आपका एराचिस ऑयल, तो ये एराचिस ऑयल जो है व्हीकल फॉर ऑयली इंजेक्शन, यानी ऑयली इंजेक्शन है उसके व्हीकल के तौर पे काम में लेते हैं, तो ये एस का फोर भी मैच हो गया, तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा बी दूसरा जाएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है गोसीपोल कुड नॉट बिकम पॉपुलर मेल कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ, ये गोसीपोल जो है
इसको मेल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे साइना ने ट्राई किया था, लेकिन ये ड्रग ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। और क्यों नहीं हो पाई? इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से। और इसके साथ क्या साइड इफ़ेक्ट आता है? ये ए हाइपोकेलेमिया, पोटेशियम की कमी, और मस्कुलर क्या है, वीकनेस। जिन मेल के ऊपर इसको ट्राई किया उनके अंदर पोटेशियम का लेवल इसने क्या कर दिया, कम, और मस्कुलर क्या है, वीकनेस जो है वो कर दी। इसलिए ड्रग ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई और इसको यूज करना क्या है, बंद कर दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो एक फूड की रेंसिडिटी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ये भी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद में आते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से प्रोटेक्ट करने से भी फूड का जो फोटो ऑक्सीडेशन है वो कम होगा। और सी ऑप्शन है एडिशन ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट। तो इसके अंदर ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। यदि एक आता तो ये आता कि क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है इसलिए एंटी ऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, लेकिन सनलाइट से प्रोटेक्ट करने से, फ्रिज के अंदर रखने से भी फूड का जो है रेंसिड होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 19 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक लिपिड सैंपल जिसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है वो कैसा रहेगा। तो आपको याद रखना है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो किस में मिलते हैं, वो ऑयल में मिलते हैं। और ऑयल आपको पता 25 डिग्री के ऊपर ऑयल कैसे रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। इसलिए यदि किसी लिपिड सैंपल में, फैटी सैंपल के अंदर यदि उसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हैं तो वो लिक्विड स्टेट के अंदर रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, इसको याद रखना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 20। और 20 में क्या पूछा है कि मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड, मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री फैटी एसिड प्रजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम फैट के अंदर जो फैटी एसिड प्रजेंट हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना KOH आपको चाहिए, कितना KOH चाहिए ये पूछ रहा है। तो ये किसको इंडिकेट करेगा, तो ये इंडिकेट करता है एसिड वैल्यू को। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, तो ये एसिड वैल्यू को इंडिकेट करता है। बाकी वैल्यू मैं आपको देखो बता देता हूँ वैसे डिस्कशन के लिए। आयोडीन वैल्यू आपको पता कितने ग्राम आयोडीन चाहिए, इससे रिलेटेड है। एसीटाइल नंबर जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिलेटेड होता है। और सेफोनिफिकेशन वैल्यू में डेफिनेशन ये होती है कि मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री एज वेल एज कम्बाइंड फैटी एसिड प्रजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट। तब ये ऐसा होता तो आप कहते कम्बाइंड और फ्री दोनों वर्ड होते तो इसका आंसर सेफोनिफिकेशन वैल्यू जाता, या यूँ कहता कि मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सेफोनिफाई द फैटी एसिड प्रजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट, तो भी इसका आंसर सेफोनिफिकेशन वैल्यू जाता। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है वो 20 का क्या है, ए है, दैट इज एसिड वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के अंदर। और 21 के अंदर इन्होंने क्या पूछा है, इस साइड में कार्बन दे रखे हैं 12, 16, 18, 20, ये कार्बन, और दूसरी तरफ क्या लिखा, फैटी एसिड का नाम लिखा है। मैच करना है कि कौन से फैटी एसिड के अंदर कितने कार्बन स्ट्रक्चर होती है। तो देखो मैंने आपको ट्रिक से आपको बताया था, उन चीज़ों को याद रखिए। जैसे मैंने स्टीरिक एसिड का क्या बताया था, एस को यूँ लिखें और एस को यूँ लिखें तो 8 हो जाता, तो ये क्या 18। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन इसके लिए है। इसके बाद भी मैंने कहा था पाल्मेटिक एसिड, और पाल्मेटिक एसिड का जो पी है, ये पाल्मेटिक का जो पी है पी को उल्टा लिखें तो पी ऐसा आता है, पहले 1 कर दिया तो ये कितना 16, तो क्यू का क्या है 1। आपका आंसर इतने से ही मिल जाएगा, क्यू का 1 किस में दिया हुआ है, तो देखो क्यू का 1 इसमें भी है, इसमें भी है, बी और सी दोनों ऑप्शन में है। फिर देखो आर का 4 किस में है, आर का 4 सिर्फ इसी के अंदर है, तो इसका आंसर क्या है, बी है। बाकी मैच कर लेते हैं, देखो पी का क्या है 2, ये लोरिक एसिड 12 कार्बन होते हैं, बिल्कुल सही है। अर्किडनोइक एसिड आपको याद करें, इसमें 20 कार्बन, एस में क्या 3, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चन सब आपको आए या आपको सिखाने के लिए कि इस ट्रिक से आप चीज़ों को इस तरह से सीख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 22। क्या पूछा है, लो सेफोनिफिकेशन वैल्यू, और मैंने कहा था सेफोनिफिकेशन वैल्यू लो है तो फैटी एसिड का मोलिकुलर वेट क्या होगा, ज़्यादा।
ये हमने पढ़ा था, क्योंकि उल्टा होता है तो लो सेफोनिफिकेशन वैल्यू है, तो इसने जो फैटी एसिड है उनका मॉलिक्यूलर वेट होगा ज़्यादा, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है उनकी चैन लेंथ भी क्या होती है, लॉन्गर। तो इसके ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, शॉर्टर चैन लेंथ ऑफ फैटी एसिड, लॉन्गर चैन लेंथ ऑफ फैटी एसिड, सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड। तो क्या कह रहा, लो सेफोनिफिकेशन वैल्यू है, तो इसका मतलब फैटी एसिड का मोलिकुलर वेट क्या होगा, हाई होगा, और हाई किसका होगा, जो लॉन्ग चैन फैटी एसिड है। तो आंसर इसका करेक्ट क्या हो गया, बी हो गया, सेकंड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 23 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये क्या बोल रहा है, 23 बोल रहा है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन फैट मेजर्ड बाई। तो मैंने अभी कहा था फैट में जितना अनसेचुरेशन होगा, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होंगे उतने ही उनमें डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे, और जितने डबल बॉन्ड ज़्यादा हैं, जितने डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसका आयोडीन वैल्यू उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी आयोडीन वैल्यू। तो ये इसका करेक्ट आंसर आयोडीन वैल्यू हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्या है 24 में, और 24 में क्या लिखा है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन लिपिड सैंपल कैन बी एक्सप्रेस्ड है। एक लिपिड सैंपल में जो OH ग्रुप है, जितने OH ग्रुप ज़्यादा होंगे उसकी कौन सी वैल्यू, उसकी एसिटाइल वैल्यू क्या है, ज़्यादा होगी। तो 24 का आंसर क्या है, सी आंसर है। अब इसके बाद एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो एसिड वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या, मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री फैटी एसिड। आयोडीन वैल्यू, फेट में जितना अनसेचुरेशन ज़्यादा आयोडीन वैल्यू उतनी ज़्यादा, एसिटाइल वैल्यू जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप उतनी एसिटाइल वैल्यू, और सेफोनिफिकेशन वैल्यू यदि ज़्यादा है तो उसमें उस फेट में जो फैटी एसिड उनका मोलिकुलर वेट क्या है, कम, और सेफोनिफिकेशन वैल्यू यदि कम है तो उसमें जो फैटी एसिड हैं उनका मोलिकुलर वेट क्या होगा, हाई। ऐसा इनका रिलेशनशिप होता है, इसको याद रखना है। और उसके बाद में ये आपकी आंसर की जो है वो दी हुई है, तो ये आंसर की आप मैच कर लें, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लें। तो इस तरह से हम जो फार्माकोग्नोसी है और आने वाले दूसरे जो सब्जेक्ट हैं इनको छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और फिर उसके MCQs आपको डिस्कस कर देंगे, जिसके अंदर मैं हर एक चीज़ को जो थ्योरी के अंदर है उसको MCQs में अच्छी तरह से कवर करके आपका क्लियर कराऊंगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अब मेरे ख्याल में आपके साथ में इसकी वीडियो की क्लैरिटी भी अच्छी आ रही होगी, क्योंकि हम बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपको कोई किसी तरह का कोई मेरे ख्याल में अभी आपको दिक्कत आने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बना के और साथ में उसके MCQs बना के ये पोर्शन जो आपके सामने कंप्लीट करूँगा। एक बार थोड़ा सा हम जैसे ही सामने आमने सामने एक दूसरे के बैठते थे उससे हम एक दूसरे से डिस्टेंस में हैं, तो शुरुआत में दिक्कत होती, मुझे भी दिक्कत होती, लेकिन धीरे धीरे मैं भी एडजस्टेबल हो रहा हूँ। तो आप भी यदि ध्यान से सुनेंगे, एक चीज़ को कई बार देखें, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। कोई दिक्कत आप मेरे को व्हाट्सअप कर दें, व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज डाल दें, आपको जवाब पक्का मिलेगा मेरी तरफ से। इसी के साथ ही आपको धन्यवाद।